नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अकीदत के साथ समाप्त हुआ ईद मिलादुन नबी का आयोजन। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवस सरैया निवासी करीम आजाद के दरवाजे पर आयोजित ईद मिलादुन नबी का आयोजन पूरे हर्षोल्लास और अकीदत के साथ समाप्त हो गया। इस मौके पर लंगड़पुर से तशरीफ लाए हुए मौलाना सिराजुद्दीन ने कहा कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया है दूसरों की मदद के लिए और भलाई के लिए, इसलिए हम जिंदगी भर अपने काम के साथ साथ गरीब मजदूर व्यक्तियों की भी मदद करते रहें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, पड़ोसी चाहे जिस धर्म जात बिरादरी का हो। खाना खाने से पहले देख लें कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं। अगर नहीं जल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके घर खाना पहुंचाएं। हो सके तो दूसरों से भी उसकी मदद कराएं ताकि वह भी भरपेट खाना खाकर चैन की नींद सो रहे। यही इस्लाम का वसूल है, यही इंसानियत और मानवता है। इसके अलावा उन्होंने अल्लाह और रसूल के तमाम हवाला दिए, तमाम हदीसें पढ़ी, जिसे सुनकर मौके पर मौजूद नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे खुशियों से तालियां बजा रहे थे और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा भी लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में मुबारकपुर, बाराबंकी और सेठारी से मौलाना तशरीफ लाए हुए थे। कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पटवा सरैया गांव के हिंदू मुसलमान के नौजवानों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हिंदू समाज के बच्चों द्वारा खाना बनाया गया और पधारे हुए मुस्लिम मेहमानों को खिलाया भी गया। यह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पूरे क्षेत्र में चर्चा की विषय बनी हुई है। लोग कहते फिर रहे हैं कि जिसे हिंदू मुस्लिम एकता सीखना हो और निभानी हो, वह पटवा सरैया बाजार में स्थित करीम आज़ाद कव्वाल के मोहल्ले में आ जाए और यहाँ के हिंदू मुसलमानों से मिलकर सीख ले कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता की जाती है, कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कैसे एक दूसरों की मदद की जाती है। न्यूज 9 भारत के लिए यूपी हेड रोशन लाल पत्रकार की खास रिपोर्ट। परेशानी बहुत ज्यादा है जिसके बारे में तुम हमेशा फिक्रमंद करते रहते हो। सरकार ने साफ फरमाया अभी यमनी जाओ, तुम्हारी उस बच्ची को भी छपा होगी। सरकार ने ये जुमला इशारा फरमाया अभी यमनी यहाँ से चले जाते हैं। अबू जहल ने कहा, समझाया तो कहा कि अजीब हैरत की बात है, तुम्हारे घर में नबी आया है, पैगंबर तुम्हारे घर में पैदा हुआ है और लाजिम शान पैगंबर है और तुम उस रसूल की इताअत नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते, उससे मौजूदा तलब करते हो। कहा कि तुमने उसके ऐलान नबूवत का इनकार कर दिया, उसकी बात को तस्लीम नहीं किया। तो कहा कि लगता है कि मोहम्मद का जादू तुम पर भी चल गया है। कहा लगता है कि मोहम्मद का जादू तुम पर भी चल गया है। मगर हमें जो भी इस्लाम कबूल करता था ना, ये मक्का वाले उसे इतने जालिम थे कि उसे बड़ी सख्त सजा देते थे, बड़ी सख्त सजा देते थे। मगर हबीब यमनी यमन के ऊपर आते, ये जानता था कि हमारा जो भी काफिला गुजरेगा, एक भी काफिला तजारती महफूज नहीं रहेगा। उसी रास्ते से मुल्क शाम जाने वाला काफिला गुजरता है, तो आप जरा सोचें कि उन्होंने हबीब यमनी को कुछ नहीं कहा। और हबीब यमनी जब अपने घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो बेटी ने आकर दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो उसकी जुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी था। तो पूछा कि बेटी ये क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, तुम कलमा भी पढ़ रही हो, आखिर ये हुआ कैसे? कहा जिस पैगंबर ने आपको मक्का में कलमा पढ़ाया, उसी नबी ने मुझको मदीना में आकर कलमा पढ़ा दिया है। अजीब शान मौजूदा है जिसको खुद नबी यमनी ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया था। मैं आपको बता दूं मुसलमानों, मेरे आका तो मुजस्सम मौजूदा है, आपकी आंखें भी मौजूदा है, दस्ते मुबारक भी मौजूदा है, आपके कान भी मौजूदा है, आपका कदम नाज भी मौजूदा है। कुरान पढ़ो तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, जितने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आपके यहाँ कुछ लोग मेहमान हुए। जब कुछ लोग मेहमान हुए ना, तो मेहमानों को आपने एक दस्तरखान पे खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद दस्तरखान को उठाया, उसको सामने के तंदूर में, जलते हुए तंदूर में डाल दिया।
मेहमान हैरतजदा रह गए, क्या बात है इस दस्तरखान को तंदूर में डाल दिया और जब निगाह निकाला ना तो दूध की तरह से धुला हुआ था, साफ शफाफ था। तो उन्होंने कहा ये क्या माजरा है, आग जलाती है और इसने दस्तरखान को जलाया नहीं। कहा वजह यह है कि मेरे आका ने एक मरतबा अपना दस्ते मुबारक इसमें पहुंच लिया था, अपना दस्ते मुबारक इसमें पहुंच लिया था। जब से मेरा ये मामूल है कि मैं इसको धुलता नहीं हूँ बल्कि इसको आग में डाल देता हूँ, आग की मजाल नहीं है कि जिसे दस्ते मुस्तफा ने छुआ हो उसको वो जला दे। तो आप जरा सोचे, अगर आप अशिके रसूल है, मोहब्बत रसूल आपके कल्ब के अंदर है, तो यकीन रखो जहन्नम की आग भी आपको कभी जला देगी। आपको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती जिस कल्ब के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। इसीलिए मेरे आका ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं खुय्यिर तो बैन शफा और निस्फ उम्मती फिल जन्नत, मुझे अल्लाह ताला ने दो चीजों का अख्तियार दिया। कहा महबूब दो चीजों का अख्तियार देता हूँ, इनमें से दो चाहो ले लो, दोनों में से जो चाहो ले लो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब या तो अपनी आधी उम्मत को बिना हिसाब किताब पहुंचवा लो, आधी उम्मत को बिना हिसाब किताब पहुंचवा लो, या अख्तियार शफात ले लो। तो मेरे आका फरमाते हैं फख्तु शफा, तो मैंने शफात का अख्तियार ले लिया। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह आधी उम्मत तो बिना हिसाब किताब पहुंची जा रही थी तो आपने शफात का अख्तियार क्यों ले लिया? तो उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं आधी तो पहुंची जाती मगर आधी कहाँ जाती, आधी कहाँ जाती, मैंने शफात का अख्तियार ले लिया क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बोला सौफा योदी का रब का पतर था, ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। और मेरे आका ने फरमाया बोला अर्दा हत्ता अहद मिन उम्मती फिन्नार, मैं राजी उस वक्त तक नहीं हूँगा जब तक मेरा एक ही उम्मती जहन्नम के अंदर होगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं मैंने शफात का अख्तियार ले लिया, क्यों? इसलिए कि खुदाए बैतुल शरीक ने ये अख्तियार अपने महबूब को दिया है। मेरे आका फरमाते हैं इदा काने यौमल क़यामा कुंतु इमामन नबीयिन व खतीबहुम व साहिब शफातिहिम ग़ैरु फ़ख़्र, के जब क़यामत का दिन होगा मैं सारे नबियों पर का इमाम होगा, मेरे सर पे ताज शफात रखा जाएगा और ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं। आप बड़े खुशनसीब हो कि आपने अपने सरकार का जश्न यौम विलादत मनाया। मैं आपको एक बात एक हदीस पाक सुना दूं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।